लिखो पते की बात पीसीआरए के साथ। क्यों सुखीलाल, आज तो दुखीलाल लग रहे हो। अरे मोहन, यहाँ जान पर बनी हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रही है। अरे ये तो बताओ हुआ क्या। मोहन, आज मैंने गांव में नाटक दिखाने का प्रोग्राम बनाया था। अरे 2 घंटे पहले नाटक शुरू करवाना था, पर नाटक मंडली वाले अभी तक नहीं आए। अच्छा। हाँ, वहाँ मैदान में जमा सब गांव वाले मेरी जान लेने को तुले हैं। उन्होंने टिकट जो ले रखी है। अरे तो क्या हुआ, तुम गांव वालों से जाकर कह दो कि आज खेल तमाशा नहीं हो पाएगा। मैं जाकर कह मोहन, तुम तो गांव के पढ़े लिखे किसान हो, मुझे इस मुसीबत से बचा लो ना। मैं भी तो इसी मौके की तलाश में था कि गांव के सब लोग नौटंकी का मजा लेते लेते सीखें कुछ पते की बात। चलो सुखीलाल, जहां लोग जमा हैं वहीं चलते हैं। चलता हूँ भाई, चलता हूँ। लेकिन मोहन, गांव वालों को तुम ही संभालना। हाँ हाँ, मैं ही करूंगा गांव वालों का सामना। ये बताइए कि आप नाटक देखने क्यों आए हैं? टिकट लिया है इसलिए देखने आए हैं। तुम नाटक देखने आते हो हंसी खुशी के वास्ते, पर सच्ची बात तो ये है कि नाटक खत्म, पैसा हजम और साथ ही खुशी भी खत्म, तो फिर क्या करें? आज नाटक देखने का समय ऐसी बातें सीखने समझाने में लगाओ कि ये खुशी जिंदगी भर के लिए बनी रहे। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम किसानों को सीखनी है? भैया, अब जैसे खेती किसानी करते हुए डीजल बचाने की बात है। हाँ हाँ, तुम शुरू तो करो। अरे मोहन, जल्दी से शुरू कर दो भाई, जल्दी से। तो भाइयों, पहले बात शुरू करते हैं ट्रैक्टर की, क्योंकि ट्रैक्टर तो खेती बाड़ी की शान है। अधिक पैदावार में इस मशीन का बड़ा योगदान है। और ट्रैक्टर के इस्तेमाल में जो डीजल बचाए वही समझदार किसान है। सबसे पहले अपने ट्रैक्टर को जानो, इसके रखरखाव को समझो और इसकी देखरेख करो। जानते हो, खराब देखरेख वाला ट्रैक्टर 25% तक डीजल बर्बाद कर सकता है। अच्छा, अब कोई समस्या हो तो सोच में मत पड़ो, सीधे ट्रैक्टर विक्रेता या अधिकृत गैराज से संपर्क करो। बोझ खींचने और खेती में कामकाज के मुताबिक ट्रैक्टर हमेशा सही गियर में चलाएं। ये बहुत बड़ी बात है। ट्रैक्टर गलत गियर में चलाने से डीजल 30% तक अधिक लगता है। पानी या ढलुए लोहे के भार से ट्रैक्टर के पहियों को फिसलने से रोकें। फिसलन रोकने के लिए सही मात्रा में भार लगाएं और खेती का काम होने के बाद भार हटा दें। अब अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो सवेरे उठते ही ट्रैक्टर की जांच करके ये देखो कि किसी जोड़ या टंकी से डीजल रिस तो नहीं रहा। ये बहुत बड़ी बात है। 1 सेकंड में डीजल की एक बूंद भी टपके तो साल में 2000 लीटर तक डीजल का नुकसान हो सकता है। अब कभी कभी हम ट्रैक्टर रोक कर खड़े हो जाते हैं, पर ट्रैक्टर का इंजन नहीं रोकते, मतलब बंद नहीं करते। ना, ये गलत है। ट्रैक्टर कहीं पर रोको तो इंजन भी बंद करो। जानते हैं, इंजन चलते रहने से 1 घंटे में 1 लीटर से भी अधिक डीजल बर्बाद हो सकता है। ध्यान दें कि बैटरी, डायनमो और सेल्फ स्टार्ट भी एकदम ठीक से काम करें। हाथ फिराकर देखा तुमने, इसे गंजा टायर कहते हैं। इससे ट्रैक्टर की खींचने की ताकत घटती है और डीजल ज्यादा खर्च होता है, इसलिए टायरों को समय पर रीलग करें। टायर फिट करते समय सुनिश्चित करें कि सामने से देखने पर वी ट्रेड पॉइंट नीचे की ओर हो। खेती और सड़क के काम के मुताबिक पहियों में सही दाब यानी हवा रखें। इंजन को भी धूल से होने वाले नुकसान से बचाएं।
इंजन में पहुंची धूल जहां इंजन का नुकसान करती है, वहीं डीजल की खपत बढ़ जाती है। इसलिए एयर फिल्टर को नियम से साफ करें। अच्छी क्वालिटी के एयर फिल्टर इस्तेमाल करें और उन्हें सही समय पर बदलें। ट्रैक्टर से बहुत अधिक निकलने वाले धुएं का मतलब है कि डीजल की खपत जरूरत से अधिक हो रही है। दोषयुक्त फ्यूल इंजेक्शन से ईंधन की खपत 25% तक बढ़ सकती है। ट्रैक्टर के लिए अधिक भार या गलत गियर का इस्तेमाल ना करें। ट्रैक्टर से बहुत अधिक धुआं निकलना जारी रहे तो अधिकृत गैराज में तुरंत जाकर मरम्मत करवाएं। ट्रैक्टर है किसान का सच्चा मददगार, लेकिन कब? जब आप उसके इंजन की हॉर्स पावर के मुताबिक उससे कृषि उपकरण खिंचवाते हैं या माल लोड करते हैं। ट्रैक्टर की क्षमता के मुताबिक काम लेकर और रफ्तार का ध्यान रखकर आप 30% तक डीजल बचा सकते हैं। और अब कुछ और जरूरी बातें भी याद रखें। ट्रैक्टर की फैन बेल्ट की जांच करें, वो ढीली हो तो ठीक करवाएं। इंजन ऑयल लेबल की रोज जांच करें। याद रखें, ट्रैक्टर सही चलाने और इसकी देखभाल का कायदा इसी में तो है किसान का फायदा। वाह वाह, ये तो बढ़िया बात बताई मोहन ने। तो फिर क्या है इरादा भाई? डीजल बचाने का करते हैं वादा। तो भाइयों, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आप लोग और कहाँ कहाँ डीजल की बचत कर सकते हो। सिंचाई पंप सेट में डीजल बचाने और उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के बहुत ही आसान तरीके भी तो जरूरी हैं। बिल्कुल, सुनो जरा ध्यान से। आप अपने पंप सेट में सही प्रकार का यानी सही एरिया वाला फुट वॉल्व लगाकर 10% तक डीजल बचा सकते हैं। जस्ता चढ़े पुराने किस्म के पाइप के मुकाबले मजबूत पीवीसी पाइप डीजल बचाने में मदद करते हैं, क्योंकि पीवीसी पाइप से घर्षण ह्रास कम होता है। सिंगल बैंड यानी एक ही घुमाव वाली पाइपलाइन व्यवस्था से डीजल बचाने में मदद मिलती है। जैसे कि 3 इंच व्यास के पाइप में एक अतिरिक्त मोड़ से 3 मीटर अतिरिक्त लंबाई के बराबर घर्षण ह्रास होता है। पाइपलाइन में आसान घुमाव की अपेक्षा शार्प एल शेप घुमाव से 70% तक अधिक घर्षण पैदा होता है। नतीजा डीजल की खपत बढ़ जाती है। पंप की ऊंचाई जल स्तर से 10 फीट तक ऊपर होने से पंप की कार्य क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी इस प्रकार डीजल की बचत होती है। लेकिन यदि कुआं गहरा हो तो पंप को उचित ऊंचाई के प्लेटफॉर्म पर लगाया जाना चाहिए। किसान भाइयों, आप पानी फेंकने वाले पाइप की ऊंचाई केवल 2 मीटर घटाकर हर महीने 15 लीटर तक डीजल बचा सकते हैं। हमेशा इंजन के साथ पंप के अलाइनमेंट की जांच भी करते रहें। ये सही ना होने पर डीजल की खपत बढ़ सकती है। अब आप पंप सेट खरीदने तो पहुंच गए, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि पंप सेट का चुनाव कैसे करना है। डीजल की बचत के लिए जानकारी भी तो जरूरी है। हमेशा ISI मार्क या स्टार लेबल वाला पंप सेट ही खरीदें। अपनी खेती की आवश्यकताओं और अपने कुएं की गहराई के मुताबिक क्षमता वाला पंप सेट खरीदें और जरूरी हॉर्स पावर वाले इंजन का ही चुनाव करें। पंप सेट खरीदने में आप किसी विशेषज्ञ की राय ले सकते हैं। डीजल की खपत घटाने के लिए ध्यान रखें पंप सेट का इंजन ज्यादा धुआं ना छोड़ रहा हो। निर्माता द्वारा सुझाए गए ग्रेड का ल्यूब्रिकेंट प्रयोग करें। इंजन में एयर फिल्टर लगा होना चाहिए, जिसकी नियमित सफाई बहुत जरूरी है। अरे पंप सेट से डीजल बचाने की बात सुनी भैया, अब कुछ तो बोलो। मोहन सच कहो, अब और किस बात का रखें ख्याल? देखो, डीजल की बचत के संग पर्यावरण की रक्षा की बात सीखनी है तो करो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल। हमारे देश में कृषि की प्रगति का प्रतीक है सौर सिंचाई पंप।
ये दूर दराज के उन इलाकों में भी काम कर सकता है जहाँ किसी प्रकार की बिजली आपूर्ति नहीं है। इसके लिए चाहिए बस सूरज की धूप, फिर देखो प्रदूषण रहित सिंचाई का नया रूप, वो भी डीजल की खपत के बिना, यानी बचत ही बचत। आज सिंचाई से जुड़ी कई कठिनाइयों को सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है और सिंचाई से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इससे डीजल, बिजली जैसे ऊर्जा स्रोतों की बचत और इनकी कीमत बढ़ने से खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। डीजल से चलने वाले पंप सेट को चलाने की लागत और देखभाल के खर्चे से खुद को बचा सकते हैं। आज सौर पंप सेट इस्तेमाल करने वाले किसान के चेहरे पर खुशहाली की मुस्कान है। सरकार सौर पंप को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ना भी बहुत सरल किया जा रहा है, जिससे आप अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में सप्लाई करके लाभ कमा सकते हैं, यानी फायदा ही फायदा। भैया आज के युग का है सच डीजल की बचत। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन है जी। तो सिंचाई के इन दो साधनों के सही इस्तेमाल से भी तो डीजल की खपत कम कर सकते हो। ड्रिप इरिगेशन में वायु और जल के अनुकूल संतुलन द्वारा धीमे टपकाव से पानी पौधे की जड़ों तक पहुंचता है। बूंद बूंद गिरता हुआ जल लंबे समय तक खेत की सिंचाई करता रहता है। फसल की जरूरत के मुताबिक प्रतिदिन सिंचाई की जा सकती है। इससे केवल पौधों तक ही पानी पहुंचाया जाता है, ना कि पूरे खेत तक। तो इस प्रकार जल की बचत होती है। ड्रिप इरिगेशन में फसल की जरूरत के मुताबिक मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे फसल जल्दी बढ़ती है, लगातार बढ़ती है और पूरे खेत में एक जैसी बढ़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है और इसमें किस प्रकार ईंधन की बचत की जा सकती है। खेतों को सींचने के लिए जब वर्षा गिरती है तो मन खुश हो जाता है ना। ये जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इस साधन से सिंचाई इस प्रकार होती है जैसे खेत में वर्षा गिर रही हो। इससे पंपिंग और पाइप के जरिए पूरे खेत में समान मात्रा में जल पहुंचाया जा सकता है। इसमें जल बूंदों के रूप में खेत पर गिरता है। पानी का छिड़काव 40 फीट के घेरे में होना चाहिए। तो भाइयों, इस प्रकार हम सिंचाई में पानी की खपत कम होने के कारण जल और डीजल की बचत कर सकते हैं। अच्छा मोहन, हाँ, तुम पर्यावरण की रक्षा वाली एक और बात बताने वाले थे ना? हाँ हाँ, तो सुनो और सीखो। हाँ। किसान भाइयों, आज आपको क्रॉप बर्निंग यानी फसलों के जलाने के नुकसान के बारे में भी जागरूक होना चाहिए। फसलों के अवशेष जलाने से जहरीली गैस और धुआं फैलता है जो वातावरण को प्रदूषित करता है। इससे अस्थमा, फेफड़ों और आंखों के रोग और शरीर में एलर्जी फैलने लगती है, जिसका शिकार मासूम बच्चे भी हो जाते हैं। इससे मिट्टी की उपजाऊ ताकत कम हो जाती है। मौसम में हानिकारक बदलाव होने लगते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। बची हुई फसल यानी फसलों के अवशेष के निपटान के लिए किसान क्या करें? भाई क्यों चिंता करते हो, इसका विकल्प हम बताते हैं। फसलों के अवशेष से आधुनिक कृषि मशीन यानी यंत्र स्ट्रॉ रीपर की मदद से बढ़िया क्वालिटी की तूड़ी बनाइए। खेत की सिंचाई करें और उपयुक्त खाद मिलाकर रोटावेटर मशीन से जुताई कीजिए। इससे फसलों के अवशेष मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो अब तय कीजिए कि फसलों के अवशेष नहीं जलाएंगे और वातावरण को प्रदूषण से मुक्त बनाएंगे। क्यों भाइयों, तो कैसी लगी खेती में डीजल बचाने और वातावरण को प्रदूषण से बचाने की बात? मोहन भैया, ऐसी बातें तो हमें रोज सिखाओ, क्यों नहीं, लेकिन तुम ये बातें हर मौसम में हर दिन रोज अपनाओ, क्योंकि इसी में है तुम्हारी खुशहाली का वादा, खेती की उन्नति का इरादा। और इस इरादे और वादे को पूरा करने में हमारे साथ है PCRA। और PCRA के साथ है हम सब। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।